चकदरपुर के पत्रकार सुदाम प्रधान व उनके मित्र की ट्रक के धक्के से हुई मौत की। पश्चिम सिंहभूम के चकदरपुर में बुधवार सुबह चाईबासा मुख्य मार्ग पर मॉर्निंग वॉक पर निकले पत्रकार सुदाम प्रधान और उनके करीबी मित्र काशी साहू को अज्ञात ट्रक द्वारा धक्का मार दिए जाने से काशी साहू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सुदाम प्रधान को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनकी भी मौत हो गई। चकदरपुर के पत्रकार सुदाम प्रधान बुधवार सुबह अपने करीबी मित्र काशी साहू के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इसी दौरान चाईबासा चकदरपुर मुख्य मार्ग पर किसी तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें धक्का मार कर फरार हो गया। इस दुर्घटना में काशी साहू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से जख्मी सुदाम प्रधान को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां इलाज के दौरान सुदाम ने भी दम तोड़ दिया। सुदाम प्रधान के ऐसे दुखद घटना में निधन से पत्रकारों में शोक की लहर है। उधर घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया और दोषी वाहन चालक की गिरफ्तारी व पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की मांग करने लगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुदाम प्रधान के दुखद निधन पर शोक प्रकट किया है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने भी इस पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मधु कोड़ा ने इस घटना को साजिश बताते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच करने के लिए मांग की। वहीं विधायक सुखराम उराव, पूर्व विधायक शशि भूषण सामट, रामलाल मुंडा, दिनेश सेन सहित काफी अन्य लोग भी धरना स्थल पर पहुंचे। वहीं सांसद गीता कोड़ा ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। वहीं प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर ने भी सुदाम प्रधान के दुखद निधन पर गहरा शोक जताया है। प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रशांत सिंह पुतुल व अन्य सदस्यों ने भी सुदाम प्रधान के असामयिक निधन पर शोक जताते हुए इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। दिन भर की ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पर, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।